उनसे रिश्ते जुड़ गए। जहां पहले दिन ही हमारा तिरस्कार हुआ। क्या कर रही है तू? कुछ नहीं माँ, बस अपने ससुराल जाने की तैयारी कर रहे हैं। मुझे लगता है तू मेरी कल की बात का बुरा मान गई क्या? देख बेटा, कल मैंने जो कुछ भी कहा वो जमाने के डर से कहा कि लोग क्या कहेंगे, तरह तरह की बातें बनाएंगे तुम्हारे बारे में। क्योंकि जब एक शादीशुदा लड़की ससुराल छोड़कर मायके में बैठ जाती है ना, तो लोग उसे ही दोषी मानते हैं, चाहे ससुराल वाले कितने भी गलत क्यों ना हो। लेकिन अब मुझे जमाने की कोई परवाह नहीं है। देख बेटा, मैं तेरी माँ हूं और मुझे तेरी खुशियों से बढ़कर और कुछ नहीं चाहिए। जहां तेरा मान सम्मान नहीं हो, तेरी इज्जत नहीं हो, वहां तू नहीं जाएगी। तू इसी घर में रहेगी हमारे साथ। माँ, माँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके कल की कही हुई बातों का हमें बुरा लगा, बल्कि अब तो वो हमारा घर है माँ, और हम इसलिए वहां पे जा रहे हैं क्योंकि भगवान जी ने वही घर और उसी घर के लोग हमारे लिए शायद हमारी किस्मत में लिखे हैं। माँ इसलिए हमें जाना होगा, प्लीज माँ हमें जाने दीजिए। नहीं बेटा, वो लोग अच्छे लोग नहीं है। पहले ही दिन तेरी सास ने जो तुम्हारे साथ किया वो तो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता है। और सच्ची कहा है लोगों ने कि सास कभी माँ नहीं बन सकती। पर माँ, एक बहू तो बेटी बन सकती है ना। किसी को भी माँ बोल देने से वो माँ नहीं बन जाती सिया। माँ तो वो होती है जो एक नन्ही सी जान को 9 महीने अपने कोख में रखती है, पालती है, पोसती है, उसकी उंगलियां पकड़कर उसे चलना सिखाती है। इसके अलावा उस बच्चे की और कोई माँ नहीं होती। माँ, आपकी भावनाओं को अच्छे से समझते हैं, पर माँ जैसा आप कह रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैया यशोदा ने भी तो कृष्ण भगवान जी को जन्म नहीं दिया था, पर फिर भी वो जगत में उनकी माँ कहलाई जाती है। देख सिया, तू अपनी बातों से मुझे मत पछाड़, मैं तुझे वापस नहीं जाने दूंगी। माँ प्लीज, आप अपनी ममता की बेड़ियां हमारे पैरों में मत डालिए। माँ प्लीज हमें जाने दीजिए। नहीं सिया, वो लोग तेरे साथ फिर से कुछ ऐसा करेंगे तो। माँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और वैसे भी आपका आशीर्वाद तो है ना, और ऊपर से हमें पूरा भरोसा है हमारे राम जी पर, हमें कुछ भी नहीं होगा। बेटा, अगर तुझे कुछ हो गया ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। माँ हमें कुछ नहीं होगा, हमें जाने दीजिए। नहीं सिया, रुक जा। सिया माँ, अब हम जा रहे हैं। सिया मेरी बात मान ले। सिया सिया सुन तो। लेकिन मंजरी दीदी, रुद्र की शादी तो रामलीला के मंच पे हो चुकी थी। अरे रामलीला के मंच पे जो होता है उसे नाटक कहते हैं, और अंग्रेजी में ड्रामा। उसमें सच्चाई कुछ नहीं होती। जैसे सिनेमा में हीरो को गोली लगती है और उमर जाता है, पर असल में वो मरता नहीं है, जिंदा रहता है। और वो जो गोली होती है ना, वो भी नकली होती है। इसी तरह ये शादी भी नकली है, सिनेमा की तरह। लेकिन पूरे रामपुर में इसी बात की चर्चा हो रही है। कितने लोगों ने तो अपनी आंखों से इस शादी को देखा है। अब नाटक नौटंकी का अकेले में की जाती है, लोग देखने के लिए आते ही है ना वहाँ। लेकिन रामलीला में भगवान राम और सीता की जो कहानी दिखाई जाती है वो तो सच्ची होती है ना। और रामपुर के मंच पे जो शादी होती है उसे भी तो सच मानते हैं। फिर हम कैसे माने कि रुद्र की शादी नहीं हुई है? हाँ तो मत मानो, अब तुम कुका वकील से लिखवा के दे। अब जीजी कह रही है तो सच्ची होगा ना, जो है सो। अरे फुलवा तुम चुप रहो,
हम बात कर रहे हैं ना, बीच में बोलना जरूरी है का? देखो नैना जी, अगर मान लो एक पल के लिए ये शादी सच में हुई थी तो क्या हुआ? शादियां तो होती भी हैं, तो टूट भी तो जाती हैं। और वो लड़की इस घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी है, वापस नहीं आने वाली और ना ही हम उसे इस घर में आने देंगे। बल्कि हम तो बहुत जल्दी उससे रुद्र का तलाक करवाने जा रहे हैं, वकील से बात भी कर लिए हैं। वो एक फार्म में सारी जानकारी भरकर लेके गए हैं। ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ता लगेगा और फिर उस लड़की से हमेशा हमेशा के लिए पीछा छूट जाएगा। ए जीजी, आपने वकील से कब बात की? हमें तो पता ही ना चला। अच्छा ये बताओ, कौन से वकील से बात किए हो? अरे देखो, वकील के बारे में हमसे ज्यादा जानकारी किसी के पास ना है। अरे कुसुम की बिटिया का तलाक, वो रजिया बी की कलंद दरोगा से जमीन भी तो हम ही छुड़वा के लाए थे। और वो घनश्याम हलवाई याद है ना, उसने भी अपनी दुकान आगे बढ़वाई थी, उसको इजाजत भी तो हम ही दिलवाए थे। अभी बताओ, हमसे बिना पूछे आपने ऐसा कौन सा वकील कर लिया है जो है सो? अरे तुम चुप रहो, हम जो वकील करे हैं अच्छा वकील करे हैं। और तुम ज्यादा बीच में चबर चबर ना क्या करो, तुम बस ये देखो कि ये रिश्ता कितना बढ़िया है, एकदम राम सीता की जोड़ी लगेगा। अरे ना जीजी, राम सीता की जोड़ी ना कहो, राम सीता की जोड़ी तो उस रामलीला के मंच पे हो चुकी है, एक को ही महीना ना चली। राधे श्याम बोलो, राधे श्याम की जोड़ी बनेगी इस बार? हाँ। तुम सही बोल रही हो, कभी कभी तुम पते की बात भूल जाती हो। अब की बार ये जोड़ी बराबरी की रहेगी, हर महीने में एक जैसी, चाहे घर परिवार ले लो, चाहे नाते रिश्तेदार ले लो, गली मोहल्ला ले लो चाहे। अरे जीजी, एक बात पे तो हमारा ध्यान ही ना गया, अब तो ये शादी एकदम बराबर की हो चुकी। अरे इनकी वो बिटिया है ना करिश्मा, वो भी तो पहली शादी तोड़ के बैठी है, और हमारी रुद्र की भी तो पहली शादी टूटने वाली है, एकदम बराबर का रिश्ता है। जी, अब मैं कहती हूँ कि इस शादी में कोई देर ना होनी चाहिए, झपट से कर दो। हाँ पुलवा एकदम सही कह रही है, आप जाकर अपने घर में बात कीजिए, जितना जल्दी शादी हो जाए अच्छा। अरे जी जी, हम देखते हम का है। अनर्थ हो गया दीदी, अनर्थ हो गया। अरे क्या हुआ, कोई भूत प्रेत देख लिया का? ये देखो, हमें आशीर्वाद नहीं देंगी? हाँ।
वाह मंजरी दीदी वाह। क्या कहा था आपने? हाँ कि वो लड़की इस घर में वापस नहीं आएगी, आप उसे आने नहीं देगी। अरे वो लड़की तो आ भी गई और आपसे जबरदस्ती आशीर्वाद लेकर आपको ठेंगा दिखा के चली गई। एक बात तो मुझे पता है कि आपकी इस घर में एक भी नहीं चलती। इस घर में ना मैं क्या, मेरे ना कोई भी दुश्मन अपना बेटी का रिश्ता लेके नहीं आएंगे। खुद के लिए इस घर में जगह नहीं है और चली है मेरी बेटी को अपनी घर की बहू बनाने के लिए। जी जी आपके सारे सपने जल के राख हो गए। लड़की ने वापस आके आपके सारे किए धरे पर पानी फेर दिया और ये दो कौड़ी की औरत अपने घर में आके आपके मुंह पे चप्पल मार के चली गई। पूरा कबर्ड फुल है। वो आप अपने कपड़े निकाल के कहीं और रख दीजिए ना, हमें भी इस कबर्ड में अपने कपड़े रखने हैं। तुम यहाँ वापस आ गई? चलो निकलो यहां से। तुम्हारा सामान भी पट निकलो यहां। खबरदार अंदर आने की हिम्मत मत कर। तुम इस घर से जा चुकी हो फिर यहां पे वापस क्यों आई? किसको पूछकर तुमने इस घर से कदम बाहर रखा था और किससे पूछकर तुमने इस घर में कदम वापस रखा? ये कोई धर्मशाला नहीं है। जिसका मन करे मुंह उठाए चला आए और जिसका मन करे मुंह उठाए चला जाए। रुद्र प्रताप का इस कमरे में और इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। और फिर तुम किस हक से वापस आई? किस लिए आई? किसने बुलाया तुम्हें? हमें किसी ने नहीं बुलाया। हम अपने लिए आए, हम अपनों के लिए आए। और रही बात हक की, तो इस हक से आए हम यहाँ। ये सिंदूर जो आपने हमारी मांग में भरा था, उस सात फेरों के हक से आए जो अग्नि को साक्षी मान के आपने हमारे साथ लिए थे। आपकी अर्धांगिनी के हक से हम इस घर में वापस आए और आए भी हैं तो क्या गलत है? और जो भी हमने किया हमने बिल्कुल सही किया। ये करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। वो दरिंदे हैं, नालायक हैं सब। पता नहीं मेरी बेटी के साथ क्या करेंगे वो, समझती नहीं है। भेज दिया उसको वहां पे मरने के लिए मेरी भूल बच्ची को। पापा
अर्धांगिनी के हक से हम इस घर में वापस आए और आए भी हैं तो क्या गलत है? और जो भी हमने किया हमने बिल्कुल सही किया, और ये करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। और एक बात और, इस घर से अब हम कहीं जाने वाले नहीं, और कानूनन तौर पर जितना हक आपका इस घर पर है उतना ही हक हमारा भी है। अच्छा, इस घर पे तुम अपना हक जताने आए, घर की एक ईंट भी नहीं मिलेगी तुम? हमें कोई ईंट चाहिए भी नहीं, और जो चीज हमारी है हम उस पे हक क्यों जताएंगे? रामलीला के मंच पर आपने हमसे जवाब मांगा था ना, आपने हमारा मजाक बनाया, आपने उस पावन मंच का मजाक बनाया था। पर वो मंच आपके लिए मजाक होगा, पर हमारे लिए हमारी आस्था है। और ये शादी चाहे आपके लिए मजाक होगी पर हमारे लिए एक पवित्र बंधन है। ये सब फिल्मी बात, ना ऐसे कोई बंधन को मानते हैं ना ऐसा कोई बंधन हमें बांध सकता है। अब बंधन तो बन चुका है आपके साथ, चाहे गलती से, पर अब जब बन गया है तो हम इसे टूटने नहीं देंगे। अब चाहे आप लाख बार मना कर लीजिए, लेकिन सच्चाई यही है कि हम आपकी अर्धांगिनी हैं। चीकू लेकर आया हूँ, जल्दी से धोके उसे काट के दे दो, उसे बहुत पसंद है। नहीं, वो नहीं खाएगी। क्यों नहीं खाएगी भाई, उसकी पसंद के हैं, और तुम काट के तो दो, देखना वो एक भी पीस नहीं छोड़ेगी। अच्छा तुम रहने दो, मैं खुद ही उसको काट के दे दूँगा। नहीं नहीं, आप उसे नहीं दे पाएंगे। क्यों भाई, क्यों नहीं कर सकता, बेटी है वो मेरी। मैंने कब कहा वो आपकी बेटी नहीं है, लेकिन चीकू खाने के लिए उसे यहाँ होना भी तो चाहिए। कहाँ है वो? वो चली गई। चली गई? कहाँ चली गई? वहीं जहाँ उसे होना चाहिए, अपने ससुराल। ये क्या कह रही हो कंगना, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? तुमने उसे जाने क्यों दिया? रोक नहीं सकती थी तुम उसको? अरे तुमने उन दरिंदों के पास उसको भेज दिया जुल्म सहने के लिए। अरे कैसी माँ हो तुम, तुम्हें उसके लिए कोई ममता नहीं है दिल में? वो दरिंदे हैं, नालायक है सब, पता नहीं मेरी बेटी के साथ क्या करेंगे, वो समझती नहीं है। भेज दिया उसको वहां पे मरने के लिए मेरी भूल बच्ची को। पापा देखना, आपको बहुत जल्दी ये सुनने मिलेगा कि सियादी के ससुराल में सियादी की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। भेज दिया उसको वहां पे मरने के लिए मेरी भूल बच्ची को। पापा सियादी को माने नहीं भेजा, जाने का फैसला उनका खुद का था, उल्टा माँ ने उनको रोकने की बहुत कोशिश की। पर उन्होंने माँ की एक नहीं सुनी, वापस ससुराल जाने का फैसला उनका खुद का था। पापा आप प्लीज माँ को मत दोष दीजिए। आप सिया की तरफ से निश्चिंत रहिए, सिया हमारी बच्ची है, बहुत ही बहादुर है, देखिएगा हर मुसीबत का सामना बड़ी निडरता से कर लेगी।
आप देखिएगा वो उस घर में और उस घर के लोगों के दिलों में अपनी जगह जरूर बना लेगी। कैसे बना लेगी करुणा, कैसे बना लेगी? अरे तुम अभी तक उस घर को और उसके घर वालों को जानती नहीं हो। कैसे बना लेगी हमारी बच्ची? अपनी अच्छाइयों से। आपको याद है माँ जी क्या कहती थी कि आप अपनी अच्छाइयों से दुनिया में कुछ भी जीत सकते हैं। आप देखिएगा सिया भी अपनी अच्छाइयों से उस घर के लोगों को जरूर जीत लेगी। आप निश्चिंत रहिए जीत हमारी सिया की होगी। करुणा कहीं जीत के इंतजार में देर हो जाएगी। आप राम जी पर भरोसा रखिए वो सब ठीक करेंगे। पापा हाँ सही कह रही है, सियादी कुछ भी कर सकती है, इस बात की गारंटी तो मैं भी देती हूँ। देखना आपको बहुत जल्दी ये सुनने मिलेगा कि सियादी के ससुराल में सियादी की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। है ना माँ? भगवान करे ऐसा ही हो, वरना हे भगवान मेरी बेटी की रक्षा कर, कहीं परीक्षा देते देते वो टूट ना जाए। बस अरे बड़े ही सड़े हुए बोले हैं जीजी, ये तो जीजा जी लाए ना इसलिए हम खा रहे थे। तुम्हारे जीजा जी रसगुल्ला कब से लाने लगे? इतने सालों में हमारे लिए तो बर्फी तक नहीं लाए। अरे सिया बहू की घर आने की खुशी में लाए हैं। हमारा हाथ छोड़ो, हमें दर्द हो रहा है। थोड़े क्या कर रहे हो?